हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सहेली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिंगर्स को, फिंगर्स से अगर शुरू कर रहे हैं तो फिंगर्स का एनालिसिस करते हैं। फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मीडियम है, एवरेज लेंथ है। और अगर देखा जाए तो अपोलो के फिंगर की लंबाई कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम तर्जनी से कंपेयर करें तो लगभग मध्यमा के फैलेंज को भी, हाफ को भी पार कर रही है फर्स्ट फैलेंज के। तो काफ़ी लंबाई लिए हुए है यहाँ पर अपोलो। तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और आर्ट के प्रति रुझान इनका ज़्यादा रहेगा, स्किल्स इनके अंदर ज़्यादा रहेंगी। अगर बात कंपेयर करें लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ, वह लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो स्किल्स इनके अंदर ज़्यादा रहेंगी, स्किल्ड वर्कर जिसको हम कह सकते हैं, और आर्ट के प्रति रुझान इनके अंदर ज़्यादा रहेगा। काफ़ी थिक हैं फिंगर, स्ट्रेट हैं, झुकाव नहीं है, टिल्टेड नहीं है। तो कहना चाहूँगा काफ़ी एनर्जी रहेगी, स्टैमिना रहेगा काम करने का, और काफ़ी मेहनती नेचर रहेगी इनकी। और लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ी सी कम रहेंगी। तो अगर ये पॉलिटिक्स वगैरह में जाते भी हैं तो उसमें टॉप लेवल तक पहुँचना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर बात की जाए इनकी मर्करी फिंगर की, तो मर्करी फिंगर भी मुझे बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई नहीं दे रही। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और अगर मर्करी माउंट भी लो सेट हो और फिंगर भी थोड़ी छोटी हो तो इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा सा बिजनेस एक्यूमेन कम हो जाता है व्यक्ति का। तो ऐसे लोगों को जिनकी थोड़ी सी मर्करी फिंगर का साइज़ कम होता है, जॉब में रहना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आगे चेक करते हैं माउंट्स को, तो बाकी का एनालिसिस वहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एक और स्क्रॉल कर अप करना चाहूँगा हैंड को, ताकि सारे माउंट्स क्लियरली देखे जा सकें। तो यहाँ पर माउंट्स मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जो माउंट है मर्करी का, यह थोड़ा सा लो सेट है, अदरवाइज़ बाकी के माउंट्स जो हैं वह काफ़ी मुझे यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो बाकी के तीनों के तीन माउंट्स, बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और सैटर्न और सूर्य के माउंट एवरेज हैं, ना ही ज़्यादा उभरे हुए हैं ना ही ज़्यादा दबे हुए हैं, तो इनको मैं एवरेज कहना चाहूँगा। और मर्करी का माउंट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो इनके अंदर हल्की सी शाइनेस रह सकती है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके एवरेज लेवल के रहेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी शाइनेस स्ट्रेंजर्स के साथ और अपोजिट सेक्स के साथ बात करते हुए थोड़ी सी शाइनेस जैसी दिक्कत इनको हो सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे माउंट्स को वन बाई वन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर इनके माउंट जो है बृहस्पति का माउंट, इससे शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हुए सारे माउंट्स को चेक करेंगे। बृहस्पति का माउंट मुझे प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर, उभरा हुआ है, और अगर देखा जाए तो ट्राई रिडल भी यहाँ पर बन रहा है लगभग सेंटर के आसपास। तो बृहस्पति की फिंगर जैसे हमने देखी अपोलो से साइज में थोड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन यहाँ पर अच्छा ट्राइरिडल बन रहा है, क्रॉस जैसा चिन्ह यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, और प्रोग्रेस लाइन भी थोड़ी सी हल्की ज़रूर है लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो कहना चाहूँगा बृहस्पति की तरफ से इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ, और साथ ही साथ अगर प्रोग्रेस की बात करें तो लाइफ में प्रोग्रेस इनको मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम उन्नति भी होती रहेगी, और कुछ इस तरह का रुझान मुझे यहाँ पर इनके बृहस्पति माउंट से देखने को मिल रहा है। शनि माउंट की बात करें तो शनि की जो फिंगर है वह बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं है, माउंट भी जो है इनका एवरेज है। तो कहना चाहूँगा कि इनको शनि देव के और सूर्य के उपाय करने चाहिए जिससे इनको और ज़्यादा उन्नति मिले, क्योंकि ऐसा होने से जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, सारे काम देरी से होते हैं, क्योंकि माउंट एवरेज है, फिंगर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे काम होते हैं उनमें डिले आ जाता है, क्योंकि सैटर्न जो है बहुत ही स्लो प्लैनेट है, डिले का प्लैनेट है, यह चीज़ों को डिले करता है। तो कुछ इसलिए इनके कामों में डिले हो सकता है, जैसे कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, उन्नति नहीं हो रही, प्रमोशन में डिले हो रहा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति की लाइफ में होती हैं। तो इसके लिए इनको एमेथीस्ट पहनना मैं सुजेस्ट करूँगा, मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी,
एमेथिस्ट पहनेंगे तो इनके काम थोड़े से जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे लूप ऑफ सीरियसनेस बनता हुआ नजर आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी घुमावदार लाइनें हैं जिसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। तो थोड़ा सा व्यक्ति की नेचर जो होती है सीरियस हो जाती है इसकी वजह से, और व्यक्ति ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी लाइनों को एक बार मिटा रहा हूँ ताकि हम बाकी की चीज़ों को चेक कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट एवरेज है और सूर्य के माउंट के ऊपर ऊपर तक लाइन नहीं पहुंच रही, लेकिन एक लाइन जरूर यहां से आ रही है और सूर्य माउंट तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट इनको रहेगा। आगे चलकर इनको लगभग 30 की एज के आसपास फेम मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रिकॉग्निशन इसको मैं कह सकता हूँ। फेम तभी मिलता है व्यक्ति को जब लाइन जो होती है वो सूर्य माउंट तक पहुँच जाए, ऊपर तक पहुँच जाए तो फेम हो जाता है। इसको हम अच्छी लाइन में मान सकता हूँ क्योंकि यह रिकॉग्निशन दिलवाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक यह लाइन है लगभग, और अगर यह लाइन यहाँ से और क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो व्यक्ति को फेम मिलना लाजमी होता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलेगी, इनके काम को प्रोत्साहन मिलेगा जो काफ़ी अच्छा जिसको कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं मरकरी की। मरकरी की माउंट के ऊपर एक छोटी सी लाइन मुझे दिखाई दे रही है, फोकस्ड है काफ़ी, बुद्धि का ये प्लैनेट माना जाता है बुध को, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इनके हाथ में हल्की सी फिंगर लो सेट जरूर है, लेकिन मरकरी का माउंट यहाँ पर प्रॉमिसिंग है, उभरा हुआ है, तो इसके भी इनको बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि माइंड काफ़ी इनका शार्प रहेगा, कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी यह कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं लाइंस की तरफ, लाइंस को चेक करते हैं, लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हार्ट की लाइन है वह लगभग बृहस्पति के माउंट से चल रही है, अदरवाइज यह दोनों फिंगर्स के बीच में से चलती है, तो यहाँ पर बृहस्पति के माउंट से चल रही है और काफ़ी अच्छी लाइन है और स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मार्क्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, कोई भी स्ट्रेस वाली लाइंस यहाँ पर नहीं है। अगर बात की जाए तो एक लाइन मुझे यहाँ पर मंगल की तरफ से आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन यह सैटर्न माउंट तक नहीं पहुँची तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अदरवाइज माइंड इनका हार्ट की बात करें, हार्ट काफ़ी हेल्दी रहेगा इनका, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी सी यहाँ पर शैलो हो रही है लाइन, तो लगभग 50 के आसपास की एज में इनको अपने थोड़े से ब्लड प्रेशर वगैरह को चेक करवाते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकती है। और वैसे काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छे मित्र ये होंगे, यह इनकी हार्ट की लाइन बता रही है, क्योंकि इमोशनल टच भी रहेगा इनकी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ऊपर से लाइन चल रही है तो इमोशनल भी यह रहेंगे। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर माइंड की लाइन की, तो यहाँ पर माइंड की लाइन आप देख सकते हैं दोनों लाइंस जो हैं माइंड की और लाइफ की काफ़ी जुड़कर चल रही हैं, और थोड़ा सा बचपन में स्ट्रगल शो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लाइंस अगर कहें तो ओवरलैपिंग इसको मैं कह सकता हूँ, कुछ ओवरलैपिंग टाइप मुझे लाइंस दिखाई दे रही हैं शुरू में, और यह जो एरिया कुछ ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर लगभग 17 से लेकर 20 की एज तक इनको स्ट्रगल में रहना पड़ा होगा। इन दो तीन सालों में इनको थोड़ी सी स्ट्रगल फेस करनी पड़ी होगी, और उसके बाद जैसे ही 20 के बाद की एज शुरू हुई तो वहाँ पर यह इंडिपेंडेंट हो गए होंगे और वहाँ से इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो गई होगी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी ऑफ शूट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इनके माइंड की लाइन की हम बात करें तो माइंड लाइन इनके काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, तो थोड़े से जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी इनकी बनती है। माइंड की लाइन काफ़ी लंबी होती है तो व्यक्ति काफ़ी एनालिटिक होता है, लेकिन माइंड की लाइन मिडल साइज़ की होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाज भी हो जाता है और जल्दबाजी में कई बार कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो यहाँ पर मैं लाइफ लाइन की बात कर रहा था, लाइफ लाइन पर मुझे काफ़ी अच्छे ऑफशूट्स दिखाई दे रहे हैं जो इनको समय समय पर काफ़ी प्रोग्रेस दिलवाएंगे लाइफ में, काफ़ी तरक्की यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको किन ऑफशूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग एजेस में काफ़ी सारे ऑफशूट्स इनके हाथ में अपवर्ड जा रहे हैं, या अपवर्ड ऑफशूट्स जितने भी ज़्यादा हों उतने ही लाभदायक माने जाते हैं, उतने ही बेनिफिशियल माने जाते हैं। तो इनके इनकी लाइफ में लगभग यहाँ पर 7 ऑफशूट्स मैं देख सकता हूँ, तो यह 7 टाइम्स रहेंगे, लगभग 7 ऐसी एजेस रहेंगी जिनमें इनको तरक्की मिलेगी
और यह तरक्की अलग अलग एजेस में है, और 50 की एज तक यह इनकी प्रोग्रेस जो है चलती रहेगी। और 50 की एज का ये लास्ट ऑफशूट मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद की लाइफ भी काफ़ी स्मूथ है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस एज तक पहुँचते पहुँचते ये अगले 20-22 सालों में बहुत प्रोग्रेस करेंगे और काफ़ी ऊंची पोस्ट तक पहुँच जाएंगे। तो आगे बात की जाए तो यहाँ पर इनकी लाइफ की टोटल अगर एज मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो काफ़ी लंबी लाइन मुझे नज़र आ रही है। तो लगभग 85 से 90 के आसपास इनकी लाइफ जो है रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी और स्मूथ है। और सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन्स नहीं है, लेकिन स्ट्रगल ज़रूर है, क्योंकि स्ट्रगल के शुरू में भी आपने देखा कि लाइन जो यहाँ पर शुरू की जो इनकी एज रही होगी लगभग 25 तक की एज काफ़ी स्ट्रगल भरी रही होगी, लेकिन उसके बाद स्मूथनेस आनी शुरू हुई। तो अगले जो 25 ईयर्स हैं वो काफ़ी उन्नति भरे यहाँ पर होंगे, लेकिन स्ट्रगल के बिना इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ 85 से लेकर 90 तक की इनकी टोटल जो एज है मैं यहाँ पर एक तरह से प्रडिक्ट कर सकता हूँ। तो इनको ये बताना चाहूँगा कि यह बहुत लकी हैं इस मामले में, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको नहीं होने वाली, काफ़ी बचाव है इनका, हेल्थ इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फैमिली रिंग के ऊपर छोटे ऑफशूट छोटे जो यहाँ पर बन रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं आइलैंड यव के निशान, एक थोड़ा बड़ा और एक छोटा, तो एक बेटा और एक बेटी इनके पास दोनों ही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं फेट लाइन की, और मनी ट्रायंगल भी मुझे काफ़ी अच्छा इनके हाथ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फेट लाइन की, फेट लाइन इनकी कुछ मून एरिया से चलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इनको बाहरी व्यक्तियों से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है, और इवन के आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में काफ़ी तरक्की आने वाली है, क्योंकि यह जो लाइन है मून एरिया से यह बाहरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और हमारे इन लॉज यानी ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से चलने वाली लाइन का मीनिंग यह होता है कि व्यक्ति को शादी के बाद उन्नति मिलती है और काफ़ी सपोर्ट भी मिलती है अपने इन लॉज की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी लाइन है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी तरक्की मुझे इनके हाथ में यहाँ पर नज़र आ रही है, और यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी होती नज़र आ रही है। यहाँ पर मर्करी लाइन, हार्ट माइंड लाइन और जो लक लाइन है, तीनों से मिलकर एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो पैसे की कमी इनको नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ लाजमी है कि इनको मेहनत से ही सारा कुछ मिलने वाला है, कोई इजी मेथड से या कोई लॉटरी या ऐसी कोई चीज़ नहीं लगने वाली लाइफ में। तो मेहनत ये करते रहेंगे और प्रोग्रेस इनकी आगे ऐसे इसी तरह से होती रहेगी, और काफ़ी अच्छी लाइफ यह एंजॉय करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा हाथ है यहाँ पर, अभी तक मैंने बहुत से हाथ देखे हैं, तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा हाथ है, काफ़ी अच्छी लाइनें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रगल तो है लेकिन स्ट्रेस नहीं है इनके हाथ में, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हैं, कुछ हल्की फुल्की 2 से 3 घटनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर कुछ भी नहीं है। तो यह मेरा एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में, और तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई चिन्ह या कोई निशान रह गया हो जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात ना की हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनके कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं तो मुझे उनको नंबर वाइज लिखकर दोबारा से सेंड कर दें। मैंने वैसे कोशिश की इनके क्वेश्चंस पढ़े थे उनको इस वीडियो में बताने के लिए, फिर भी कुछ रह गया है तो मुझे यह सेंड कर दें नंबर वाइज लिखकर उन क्वेश्चंस को, शॉर्ट में लिखकर, बहुत लंबे क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखकर सर्च सेंड कर दें तो मैं इनके रिप्लाई विद इन 1 or 2 days जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।